हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूं मिर्च की सब्ज़ी। तो आप लोग देखिएगा कि मैं मिर्च की सब्ज़ी कैसे बनाती हूं। शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट करें। फ्रेंड्स, अभी हम किचन में हैं और हम बना रहे हैं सब्जी। और सब्जी किस चीज़ की बना रहे हैं, क्योंकि रोटी रखी हुई है और पत्ता गोभी भी रखा हुआ है। तो मैंने बोला कि मैं कुछ अलग से कुछ बनाते हैं। तो एक मुझे नींबू मिला है, झटपट सब्जी यही बन सकती थी, इसलिए मैं बना रही हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि प्याज और मिर्च मैं फ्राई कर रही हूँ, वो भी गिर भी गया। प्याज मिर्च फ्राई करेंगे और वो जो नींबू है ना उसको कट करके और इसमें रस मिला देंगे। पहले ये थोड़ा सा प्याज थोड़ा सा ब्राउन और हो जाए। मिर्च की मात्रा थोड़ी मैंने ज़्यादा की है, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम किचन में हैं और हम बना रहे हैं सब्जी। और सब्जी किस चीज़ की बना रहे हैं, क्योंकि रोटी रखी हुई है और पत्ता गोभी भी रखा हुआ है। तो मैंने बोला कि मैं कुछ अलग से कुछ बनाते हैं। तो एक मुझे नींबू मिला है, झटपट सब्जी यही बन सकती थी, इसलिए मैं बना रही हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि प्याज और मिर्च मैं फ्राई कर रही हूँ। प्याज मिर्च फ्राई करेंगे और वो जो नींबू है ना उसको कट करके और इसमें रस मिला देंगे। पहले ये थोड़ा सा प्याज थोड़ा सा ब्राउन और हो जाए। मिर्च की मात्रा थोड़ी मैंने ज़्यादा की है, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नींबू को से दबा करके और रस वाला बना ले रही हूँ। थोड़ा सा मैंने बेसन लिया है और यहाँ पर मैंने मिर्च प्याज जीरा मिला दिया है और इसको मैं ब्राउन कर ले रही हूँ अच्छे से। उसके बाद हमें क्या मिलाना है, इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, तो इतना ही कुछ मिलाएंगे। उसके बाद क्योंकि मिर्च हमने मिलाना नहीं है, क्योंकि हम मिला चुके हैं, हमने वैसे भी तेज वाली मिर्च काट के इसमें ऐड कर दी है, और उसमें नमक मिला देंगे। उसके बाद ही हम बेसन, और बेसन मिला करके हमें बेसन को स्लो फ्लेम पर भूनना है। भूनने के बाद ऐसे चलाते रहेंगे जिसमें कि बेसन ना जल ना जाए। हाई फ्लेम पर अपन भूनेंगे तो जल जाएगा, इसलिए स्लो फ्लेम पर अपन भूनेंगे। भूनने के बाद इसको ना, यानी कि टमाटर वगैरह नहीं डालने हैं हम, इसमें नींबू ऐड करेंगे। ये वाली सब्जी में ना टमाटर नहीं आते हैं और नींबू ही ऐड करते हैं, तो बहुत अच्छी चटपटी तीखी खट्टी सी बनती है सब्जी। और जब सब्जी ना हो ना, और ये 2-3 दिन आराम से हम खा सकते हैं सब्जी को, तो थोड़ा सा हम पानी सींच देंगे, तो आप लोग सींच लीजिएगा। मैंने इसमें ऐसे ही ऐड कर दिया क्योंकि मैं शूट कर रही थी ना, इसलिए तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया। पर कोई ना, मैं इसको अच्छे से ऐसे भून लूँगी और अच्छे से कुछ देर तक ऐसे ही स्लो फ्लेम पर चलाती रहूँगी। इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा रहता है, ये रोटी पराठे पूरी के साथ हम आराम से खा सकते हैं, सच में बहुत अच्छी लगती है। और ये सब्जी मुझे शुक्ला जी ने बनाना सिखाया था, उनके यहाँ बनती थी। तो अब आ गई है नींबू निचोड़ने की बारी। तो इसमें देखो, हम नींबू निचोड़ देते हैं। गैस को मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पर नींबू निचोड़ देते हैं। कुछ बीज आ गए हैं, इसको हम साइड में कर देंगे अभी थोड़ी देर से। और आधा नींबू ही निचोड़ रही हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सर्दी का समय है और ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो नुकसान करेगा, तो इतना ही काफ़ी है। अगर इसको खाने के बाद मैंने पानी पी लिया तो मुझे कोल्ड हो जाएगा, तो ये बीज मैंने साइड में कर दिए हैं और इसको अच्छे तरीके से चला लेंगे। तो ये हमारी सब्जी जो है बनकर तैयार हो गई है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, जिसमें नींबू का रस है ना अच्छे से सारे सब्जी में मिक्स हो जाए। स्वाद बहुत अच्छा लगा था खाने के बाद। और मैंने ना कुछ ऐसे जो फिंगर होते हैं उसको मैंने फ्राई कर लिया है और रोटियां गरम कर ली है, तो ये सब्जी रोटी है। और श्रेया को अभी भूख नहीं लगी, वो बाद में खाएगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी थाली लगा ली है, थोड़े से फिंगर ले लिए, वो थोड़ी देर से खाएगी। मैंने बोला चलो मैं खा लेती हूँ, तो ये मेरी थाली है, तो आई आप लोग भी खा लीजिए। यहाँ पर दूध गर्म हो गया है, अगर आप लोगों को ही बनाना आप लोग बना सकते हो। यहाँ पर बचा ऑयल है जो वो मैं ढक करके रख दे रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं ना इधर धूप में बैठी हुई थी और बस अकेले कुछ सोच रही थी। मेरे दिमाग में वही सारी बातें आती रहती, कितना कोशिश करूँ कि मैं वो चीज़ें याद ना करूँ,
पर याद आती रहती, फिर मुझे शुक्ला जी की भी बातें आती हैं, याद कि वो क्या कहा करते थे। मैं ना जब भी मुसीबत में आती हूँ तो मैं उन्हीं से बोलती हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ। तो मुझे यानी एहसास सा होता है जैसे कि वो उन्होंने रास्ता निकाल दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। थोड़ा टाइम लगता है, जब तक मैं उस दौरान, जब तक सॉल्व नहीं होती ना उस दौरान, मैं बहुत टेंशन ले लेती हूँ, अपना शरीर बिगाड़ लेती हूँ, खाना नहीं खाती हूँ, रोती हूँ, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। आप लोग बोलते हो ना कि आप तुम इतनी स्ट्रांग क्यों हो, स्ट्रांग मुझे बनना होता है, क्योंकि मैं अगर कमज़ोर बनूंगी तो लोगों को फ़ायदा होता है, तो मुझे स्ट्रांग बनना होता है। तो इसलिए, और वीडियो 10 मिनट की होती हैं, आप लोग उसी से यानी कि जज कर लेते हो कि सुहाना आज तो खुश है या कुछ भी है। जैसे मैं वीडियो लेकर आती हूँ तो मैं बताऊँ तो मैं हमेशा यानी मेरा ना मूड हमेशा अभी इस समय तो ऑफ ही रहता है। मैं कोशिश करती हूँ कि श्रेया के सामने मैं ऑफ, यानी कि अगर ऑफ भी है ना तो मैं ऑन कर लेती हूँ। यानी कि मैं क्या कहूँ अपने शब्दों में कि मैं ना सैड रहती हूँ, टेंशन में रहती हूँ हमेशा, कोने में एक वो जो शुक्ला जी की जगह है बेडरूम में, वहीं पर बैठी रहती हूँ और दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, सोचती हूँ कि आगे कैसा क्या होगा। और कभी कभी बुरे ख्याल भी आते हैं, फिर मैं जब बुरे ख्याल आते हैं, हालांकि सोचना नहीं चाहिए पर क्या करूँ, ये दिमाग में आ ही जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ बस उस समय ना भगवान जी का नाम ले लेती हूँ, ये भगवान जी ऐसा कुछ भी ना हो। तो पहले मैं क्या करती थी, जब मेरे शुक्ला जी बीमार थे ना तो मुझे मना किया गया था कि यूट्यूब पर कुछ भी मत बताना कि शुक्ला जी बीमार है। अगर मैं बता देती तो शायद आप लोग मुझे बताते कि इस जगह जाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है जो शुक्ला जी को थी, तो मैं बता देती तो आज शायद शुक्ला जी मेरे साथ होते, पर मैंने गलती की नहीं बताई। पर अब मैं यूट्यूब पर सारा कुछ मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से कि शायद मुझे कुछ पता चले आप लोगों के ज़रिए कि मुझे अब क्या करना क्या नहीं करना है। फिर आप लोगों के जो यानी बातें होती हैं उसमें सोच विचार करके फिर मैं निर्णय लेती हूँ कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही है, इसलिए मैं हर बात यूट्यूब पर बताती हूँ। और अभी ना इस समय बहुत ठंड चल रही है, 2-2 स्वेटर पहनी हुई है, देख लीजिए, 2 स्वेटर पहनने से ना मुझे ठंड नहीं लगती है, अभी धूप में ही बैठी हूँ। और बस यही है, अभी ये वाला महीना तो आप लोगों को हम समझ लो कि बहुत मेरे लिए स्ट्रगल वाला है, क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम है और मुझे एग्ज़ाम में फोकस करना है, इसलिए मैं लाइव वगैरह भी नहीं आ रही हूँ। और श्रेया का भी एग्ज़ाम है, हम और श्रेया का एग्ज़ाम एक ही टाइम पे पढ़ रहा है, श्रेया का यहाँ पर, वहाँ उसका, तो बस यही दिमाग थोड़ा सा टेंशन में है कि कैसे क्या मैनेज होगा, बस भगवान जी पर छोड़ दिया है। अभी हर समय भगवान जी को याद कर रही हूँ कि भगवान जी समस्या का समाधान जरूर निकालो कि सब अच्छा अच्छा हो जाए, और आप लोग भी दुआएं दीजिए कि सब कुछ अच्छा हो जाए, बस यही बोलूँगी। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं बहुत सारी बातें हैं जो मेरे दिल में रखी हुई हैं जो कि मैंने अभी आप लोगों से शेयर तक नहीं की हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं वीडियो के ज़रिए आप लोगों को बातें रखूँ आप लोगों के सामने। तो बुरे बुरे ख्याल बहुत आते हैं, तो मेरा माइंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने माइंड को कैसे शांत करूं, टेंशन बहुत सारी है और फालतू की टेंशन है मालूम है, जिससे कोई भी हल निकलने वाला नहीं है, पर मैं अपने दिमाग को इतना टेंशन भरा कर लेती हूं कि मैं बाकी अच्छी चीज़ सोचने के लिए यानी कि सक्षम नहीं हो पाती हूं, है ना, यानी तैयार नहीं हो पाती हूं। जब माइंड इन सब चीज़ों से भरा रहता है तो फिर अच्छे विचार कैसे ही आएंगे, है ना। तो चलो बहुत हो गई बातें, अब इस वीडियो का एंडिंग करते हैं, मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप एक बात और कि आप लोग ना सपोर्ट करिएगा प्लीज़ प्लीज़, जैसे कि मैंने कल वीडियो पर बोला था कि डॉलर बिल्कुल नहीं बन रहा है, व्यूज़ भी नहीं आ रहा, आप लोग कहाँ छुप गए, कहाँ चले गए, समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कौन से लोग हैं, 12-13 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, 13 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, उसमें से मुझे 1 हज़ार व्यूज़ बस मिलता है, बाकी के कहाँ सारे छुप गए, समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को वॉच कीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, और वीडियो को शेयर करिए जिससे कि मेरा सपोर्ट हो सके, क्योंकि आप लोगों के देखने से ना हमारा और श्रेया का भविष्य है,
है ना, उसी से सब कुछ है। तो प्लीज़ आप लोग वॉच करिए, फुल वॉच करिए, ऐड को स्किप मत करिए, यही बोलूँगी आप लोगों का। एक दिन में 10 मिनट तो ही मांगती हूँ, कभी कभी 12-13 मिनट हो जाता है, तो इतना तो आप लोग मुझे समय दे सकते हो ना एक अच्छे फ्रेंड्स के नाते, फैमिली के नाते। तो चलो अब एंडिंग करते हैं फाइनली। तो वीडियो जैसा भी लगाओ लाइक शेयर कमेंट करें अच्छा सा, और अगर गलत लगा हो तो कुछ बताए कि ये चीज़ गलत है, तो सुधारने की कोशिश करूँगी। तो इस वीडियो का एंडिंग करते हैं, मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।